पहचान पत्र होगा, जो वहाँ के उनके कुछ कागजात होंगे, मकान के होंगे, उसके आधार पर जो है उनको लिया जाए। कागज नहीं ढूंढेंगे, वो आ जाएं, उनकी पहचान। सबसे पहले तो जो है शेख हसीना को, भारत सरकार को कहना चाहिए कि आप हिंदू धर्म स्वीकार करिए। जिस दिन शेख हसीना जो है हिंदू धर्म स्वीकार कर लेंगी, तो शेख हसीना के बांग्लादेश में कम से कम 20-30% जो है बेलबिसर होंगे, समर्थक होंगे, तो वो जो है वहाँ शांति हो जाएगी, तुरंत वहाँ शांति हो जाएगी। वो 30% और 8% हिंदू कुल मिला के जो है वहाँ का बैलेंस सही हो जाएगा, 5 मिनट के अंदर सही हो जाएगा। केवल शेख हसीना अगर मानवता के उस पर जो है वो अगर विश्वास रखती हैं, सबकी हिंसा को ख़त्म कराना चाहती हैं और यहाँ भारत में शरण चाहती हैं, तो वो हिंदू धर्म स्वीकार कर लें। अभी देखिए पूरी दुनिया में जो शांति हो जाए, बांग्लादेश में क्या, बांग्लादेश कार्यकर्ता होंगे, समर्थक होंगे शेख हसीना के, वो जो है वो शांत हो जाएंगे, वो उनके समर्थन में चले जाएंगे और भारत सरकार सपोर्ट करे, मिलिट्री लगा हुआ है, देखते हैं कैसे क्या करते हैं। देना ठीक था लेकिन तरीका नहीं सही था। उनको जब उन्होंने भारत सरकार से संपर्क किया होगा, उसी समय हमारे राजदूत को और जो भी उनके सूत्राधार रहे हों, उनको ये कहना था कि ठीक है हम आपको शरण देंगे, लेकिन आप हिंदू धर्म स्वीकार करिए तब हम आपको शरण देंगे। और वह इस शर्त पर अगर उनको लिए होते तो आज बांग्लादेश में इतना बवाल न होता। आज जो है उन हिंदुओं के साथ आवामी लीग के लोग जो है वो खड़े होते और फिर बराबर की लड़ाई होती, संघर्ष होता।